हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की डेट में एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे जिसने 1 लाख रुपए को आपके 1 लाख रुपए को और केवल 4 महीने में कितने 5,36,254 5,36,254 रुपीज में चेंज कर दिया। कौन सा स्टॉक है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे और क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या करता है वो बिजनेस, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर मिल सके। और दूसरी वीडियोज को जाके देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे ऐसे आपको आपके सामने आ रहे हैं जो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, आज भी स्टॉक्स वही है। यहाँ देखिए क्विस्ट कैपिटल कल बनाया था, इसके पहले शीतल कूल प्रोडक्ट से रिलेटेड रूबरू कराया था। ये सारे बेहतरीन स्टॉक्स है, जब रिटर्न देना शुरू करेंगे याद रखिए बहुत बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और, यहाँ पर अगर आप हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर नंबर दे रखा है नंबर, तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस कंपनी से आपसे रूबरू कराना चाहता हूं, जिस कंपनी के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसके बारे में यहां पर आपसे आप इस कंपनी के बारे में जानेंगे, उसका नाम है सेल्फ टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आज भी देखेंगे तो अपर सर्किट में और केवल 13.05 रुपए का यहां पर ये स्टॉक्स है। ये कंपनी दिसंबर में 2 रुपए पे चलती थी, ओके, और अभी की अगर बात करें तो लगभग 13.05 रुपए, एक बेहतरीन रिटर्न देने वाली ये कंपनी बन चुकी है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे इसने यहाँ पर आपको इतने बेहतरीन रिटर्न्स दे दिए, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो देखिए सेल्फ टेक्नोलॉजी करती क्या है, इंगेज इन प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज एंड सॉल्यूशन, द कंपनी हैज आल्सो इंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ 25-year-old न्यूज़पेपर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक IT कंपनी है, ओके, जहां पर आपने देखा है दूसरी IT कंपनी के शेयर यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, बट एक छोटी सी IT कंपनी, एक बात करें एक बिल्कुल ही माइक्रो कैप जिसे कहते हैं SME स्टॉक्स, तो यहाँ पर 20 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, ऐसी कंपनी जो आपके शेयर को यहाँ पर कितने गुना कर दिया, 1 लाख रुपए को यहाँ पर 5,36,000 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसी एक कंपनी है और ये इसका इंगेजमेंट है डिफरेंट अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन एक न्यूज़पेपर कंपनी के साथ जो कि लगभग 25 साल से यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। तो इन पर्टिकुलर यहाँ पर इसकी एक वेबसाइट है, जाके यहाँ पर देखिएगा इस कंपनी के बारे में, आपको अगर जानना है और भी वो सी तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। इस कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ई कॉमर्स फॉर अ वेब एंड अ मोबाइल एनेबल, तो ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। बिजनेस सॉल्यूशन की बात करें, ई बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मोबाइल रिटेल ब्रांड मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड डिजिटल मीडिया में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो जाके एक बार इनकी बिजनेस को जाके यहाँ पर देख लीजिए इनकी वेबसाइट पे। इसके अलावा कंपनी माइक्रो कैप है, SME स्टॉक होगा, 20 करोड़ का मार्केट कैप है, तो जब भी यहाँ पर कम शेयर का होता है, मतलब कम वैल्यू का मार्केट कैप होता है, उसमें आपको एक लॉट साइज में यहाँ पर शेयर मिलते हैं। याद रखिए नॉर्मल जब आप इन्फोसिस का शेयर लेने जाएंगे, वो भी IT कंपनी है, तो आप एक शेयर खरीद पाएंगे, बट इसका आप शेयर लेने जाएंगे तो SME शेयर है, तो आपको यहाँ पर लॉट में ही यहाँ पर लेना पड़ेगा। इनका इसका एक लॉट होगा 4,000 शेयर का, 5,000 शेयर का, 1.5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, आपको कुछ हिस्सेदारी मिलेगी 1.1% के आसपास की जो भी मिलेगी, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर इस कंपनी में पैसा लगा के आप वेट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, और फिर अच्छा खासा पैसा आपको बन सकता है कंपनी से। और जब बात की जानकारी ले तो देखिए 60 का यहाँ पर PE है और इंडस्ट्री का भी 36 है, तो कहीं ना कहीं शेयर यहाँ पर महंगा चल रहा है। ROC ROE कुछ भी खास नहीं है, कंपनी लगभग डेट फ्री है, 12% का ही यहाँ पर डेट है, कोई प्लेजिंग नहीं है, और यहाँ पर अभी ऑल टाइम हाई पे तो नहीं कहूंगा बट यहाँ 52 वीक हाई पे ये शेयर यहाँ पर चल रहा है। बुक वैल्यू 9 रुपीज की है और ये शेयर 13 रुपए पे चल रहा है, तो बुक वैल्यू से भी ऊपर ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूं, कभी ये शेयर जब 2009 में यहाँ पर आपने जब फाइनेंशियल क्राइसिस होता हुआ दिखाई दिया था 2008 में, तब ये शेयर 180 रुपीज के आसपास चलता था, उसके बाद एक गिरावट हुई और 2009 से लेके अभी तक लगभग एक ही रेंज में ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है और अब धीरे धीरे यहाँ पर निकलता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसके लिए इसके फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इसके फाइनेंशियल जानेंगे तो यहाँ पर देखिए सेल्स फंडामेंटल्स का मतलब फाइनेंशियल उसका एक पार्ट है, याद रखिएगा सेल्स यहाँ पर देखिए
इस बार की सेल्स की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर 20 लाख रुपए की सेल्स होती हुई दिखाई दी है, जो कि पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर यहाँ पर इनकी सेल्स आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की, तो यहाँ पर देखिए हमेशा यहाँ पर नेगेटिव मार्जिन आ रहे थे पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार, बट इस बार इसके पॉजिटिव यहाँ पर मार्जिन है 40% के साथ, और कंपनी यहाँ पर 0.08 लगभग 8 लाख के आसपास का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट भी है। नेट प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि एक्स्ट्रा अदर इनकम वगैरह लगा के अगर बनती हुई नजर आई है, तो इसका ईपीएस तो बड़ा ही बड़ा है और लगभग 43 लाख रुपए का कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट भी होता हुआ नजर आया है। दिस इज द रीजन कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और लगभग यहाँ पर शेयर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया है। और भी बात करें तो कंपनी का जो ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस है कुछ खास नहीं है। इसके अलावा अदर इनकम की बात करें, कंपनी का अदर इनकम यहाँ पर आती रहती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर हमेशा ही नेगेटिव रहा है एक आध साल को छोड़ के। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर लगातार लॉस ही रहा है, पर प्रॉफिट भी रहा है तो 13-33 लाख रुपए के आसपास का इस वाले साल में होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर दिखाई देता है। 2008 का यहाँ पर दे नहीं रखा, अदरवाइज 2008 के हिसाब से हम अगर कंपेरिजन करते तो हमें एग्जैक्ट यहाँ पर पता चलता कि कंपनी यहाँ पर उससे पहले भी यहाँ पर प्रॉफिट में थी या नहीं थी। इसके अलावा रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव में है। कंपनी की बोरिंग की बात करें, 1.58% की यहाँ पर बोरिंग है, बट कंपनी का शेयर कैपिटल 14.9 करोड़ रुपीज के आसपास का है। यहाँ पर कैश की बात करें, कंपनी के पास यहाँ पर लगभग यहाँ पर देखेंगे 2 करोड़ 12 लाख रुपए का कैश भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न तो 24% के शेयर है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो काफी कम शेयर आपको नजर आ रहे हैं प्रमोटर्स के पास, बट घबराइए मत, यहाँ पर आप जाएंगे पब्लिक होल्डिंग में तो 75% जरूर दिखा रहा है, बट 75-76% में से बड़े बड़े लोगों ने हिस्सेदारी ले रखी है, और केवल 20% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास दिखाई देती है, और 20% और भी कम हिस्सेदारी होगी, 20% भी नहीं होगी, और 20% का मतलब मुश्किल से यहाँ पर 4 करोड़ रुपए के आसपास की है, और कोई भी बड़ा प्लेयर आके यहाँ पर इस शेयर को हिला सकता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर शेयर हमेशा से ही यहाँ पर देखिए लोअर सर्किट में आया, फिर अपर सर्किट में गया, यहाँ पर एक गिरावट हुई, एक कंसोलिडेशन हुआ, और जब भी यहाँ पर भागा है तो अपर सर्किट में भागा है, ओके गिरा है तो लोअर सर्किट में यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, और अगेन यहाँ पर शेयर यहाँ पर देखिए फिर भागता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि किसी ने अगर 1 दिसंबर 2021 को इस शेयर का प्राइस था 2 रुपए 54 पैसे, 2 रुपए 54 पैसे में अगर किसी ने लिया होता ये शेयर, तो 2021 से लेके 2022 चल रहा है, कितने दिन हुए, मुश्किल से यहाँ पर 4 महीने होते हुए नजर आए, ओके 4 महीने, आप 5 महीने भी काउंट कर सकते हैं, लगभग महीना खत्म होने वाला है, तो आपको 5 महीने में कितने परसेंट के, 439% के तो रिटर्न मिले हैं, ओके। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे किसी ने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगा दिया होता तो अभी 5,36,254 रुपीज हो जाते, क्यों, क्योंकि अगर 2 रुपए 54 पैसे के हिसाब से अगर हम शेयर देखें तो लगभग 39,840 शेयर आप खरीदते और आपको इतना बेहतरीन प्रॉफिट होता हुआ नजर आता। तो ये ही होता है छोटी सी कंपनी में पैसा लगाने का, में यहाँ पर इसी तरीके से पैसे बढ़ते हैं, बट याद रखिए जब अगर किसी का गिरता तो हार्ट अटैक तरीके से आ जाता कि 1 लाख रुपए लगाता और यहाँ पर नीचे आ जाती चीजें, तो यहाँ पर आपका पैसा शायद ये 1 लाख रुपए मुश्किल से 5,000 और 10,000 ही बचते, क्यों, क्योंकि लोअर सर्किट में ही चीजें ऊपर जाती है, अपर सर्किट में ही चीजें ऊपर जाती है और लोअर सर्किट में नीचे आती है, तो आपको यहाँ पर बेचना भी होता है, स्टॉप लॉस के साथ काम भी करना होता है, हर चीज पर आपको ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल बेशक से इसके इस बार के रिजल्ट थोड़े से बेहतरीन आते हुए दिखाई दिए और मार्जिन अच्छा खासा है, बट का शेयर ऑलरेडी यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न दे चुका है, यहाँ पर अब केवल ट्रैप ट्रैप और केवल ट्रैप की कहानी चलेगी। बट एक चीज और यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता हुआ भी दिखाई दिया है 2009 से बाद, याद रखिए 2009 मतलब 10 से 11 11 12 साल के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो चीजें और ऊपर जा सकती है, और इसका जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई कितना था, ऑल टाइम हाई तो बहुत ज्यादा था, बट फिर भी यहाँ पर और भी चीजें यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, बट स्टिल आपको इस शेयर से क्या रहना है, दूरी बना के रखनी है, ऑलरेडी भाग गया है। अगर आप सोचेंगे कि 1 लाख रुपए लगा देता हूँ अब दोबारा 13 रुपए का शेयर 26 रुपए का हो जाएगा, तो ये आपकी एक गलती होगी, क्यों, क्योंकि अगर लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ
तो आप इसमें से निकल भी नहीं पाएंगे। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, जस्ट वीडियो बनाई गई है। क्यों? क्योंकि इस तरीके के लालच में 1 लाख रुपए 5 महीने में 5 लाख रुपए हो गए, तो ये एक ट्रैप होता है। ओके, और ये हनी ट्रैप ही कह सकते हैं एक तरीके से, और आप यहाँ पर फंस सकते हैं। तो इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके की न्यूज़ भी मिलती रहे, सलाह भी मिलती रहे कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। और बाकी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।